फ्रेंड्स, अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग बकेट। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये होता है। आज हम लोग पोस्टर कलर में बकेट किस तरह से कलर करते हैं ये वीडियो में पूरा देखेंगे। मगर दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू का बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हमें जो बकेट का ऑब्जेक्ट करना है उस बकेट का हम प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे। बकेट कैसा होता है? बकेट राउंड होता है। बकेट को ऊपर की तरफ एक कड़ा होती है थिकनेस, वो भी हमारे ड्राइंग में दिखना जरूरी होता है। बकेट का जितना हाइट होता है उतना ही उसका विड्थ होता है, आप देख सकते हो। मतलब लंबाई जितना है उतना ही उसका चौड़ाई होता है। अभी हम लोग पेंसिल से ड्राइंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बकेट का ड्राइंग करने के लिए एक मिडल लाइन निकालना जरूरी होता है। मिडल लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस लेके एक बॉक्स बनाइए। इसी बॉक्स के अंदर हमें बकेट का ड्राइंग करना है। आप वीडियो में देख सकते हो उसी तरह से आपको ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके ड्राइंग करना है। बकेट और मग किस तरह से ड्रॉ करते हैं इसका सेपरेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसका भी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अभी हमें इसे करना है कलर। इसके लिए कौन कौन से कलर यूज होते हैं इसका पहले हम स्टडी करेंगे। क्रिम्जन कलर, पोस्टर रेड, ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट। बकेट कलर करने के लिए हम लोग तीन शेड्स पहले बना लेते हैं, डार्क, मिडल और लाइट। डार्क शेड के लिए क्रिम्जन प्लस ब्लैक कलर यूज करेंगे। मिडल शेड के लिए पोस्टर रेड कलर यूज करेंगे। और लाइट की तरफ के पोर्शन के लिए पोस्टर रेड प्लस व्हाइट कलर मिक्स करेंगे। जितने भी कलर यहाँ पे यूज किए हैं, वो सभी कलर के नेम वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से आपको ये कलर मिक्स करके ये ड्राइंग कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए ड्रेपरी का स्टडी करेंगे।
जहाँ पे हमारा कलरिंग कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग बकेट के ऊपर जो लाइन होती है उसका डिटेलिंग करेंगे। लेकिन एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से अगर ये डिटेलिंग नहीं होती है तो आप लोगों को ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। आप अगर फिनिशिंग में ये कर सकते हो तो ही करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।